नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में रोडवेज से यात्रा करने वाले यात्रियों पर हल्का सा बोझ पड़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यूपी रोडवेज की बसों में अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको थोड़ा जेब ढीला करना पड़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आज से बढ़ा हुआ किराया देना होगा। ग्रेनों का किराया 29 रुपये बढ़कर 39 रुपये, लखनऊ का किराया 692 से बढ़कर अब 829 रुपये हो गया है। पिछले सोमवार को लखनऊ में हुई यहाँ पर राज्य परिवहन प्राधिकरण की यहाँ पर बैठक में बसों के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और उसी को अब लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार, आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष एल वेंकटेश्वर लू की तरफ से यहाँ पर इसका आदेश जारी होने के बाद यूपी परिवहन निगम ने यहाँ पर सोमवार आधी रात से इसको लागू करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश रोडवेज के एमडी संजय कुमार ने प्रदेश के सभी डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक और साथ ही सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को यहाँ पर टिकट मशीन में नई दर फीड कराने के बाद ही बसों को रवाना करने का निर्देश जारी किया है। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को तुर्की और साथ ही सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 4,000 से भी ज्यादा से अधिक लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के तेज झटकों ने हजारों इमारतों को तबाह कर दिया है। तबाही का मंजर इतना भयावह था कि यहाँ पर बचाव कार्य में भी यहाँ पर जो है जीवित बचे लोगों का रेस्क्यू के लिए नंगे हाथों से ही यहाँ पर खुदाई करना पड़ रहा है। दर्जनों देशों ने यहाँ पर, आपको बता दें कि 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद तुर्की की सहायता का वादा किया। भूकंप तब आया जब लोग जो है अपने घरों में सो रहे थे। ठंड के मौसम ने राहत कार्यों और साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को और भी मुश्किल बना दिया है। शुरुआती भूकंप के बाद दर्जनों जो है आफ्टरशॉक आए, जहाँ पर जिसमें बताया जा रहा है कि 7.5 तीव्रता का भूकंप था और जिसने यहाँ पर सोमवार को खोज और साथ ही बचाव कार्य में और भी खलल डाल दिया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भारत ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और सहायता के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भेज दिया गया है, ताकि भारत सबकी यहाँ पर मुश्किलों में अब काम आने वाला देश बनता जा रहा है। और चलिए बात उत्तराखंड के देहरादून की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर देहरादून कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। राज्य में हो रही भर्ती परीक्षा में यहाँ पर धांधली पर उन्होंने सरकार को घेरा है। राज्य में सरकार को यहाँ पर फिलहाल कोई भर्ती परीक्षा नहीं करानी चाहिए। करण महारा ने सरकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग की है। आपको बता दें कि यहाँ पर भर्ती परीक्षा कराने वाले यहाँ पर अधिकारियों की मिलीभगत के चलते जो है कोई परीक्षा ना हो। पटवारी समेत अन्य परीक्षाओं में हो रही धांधली गंभीर मसला है और आपको बता दें कि यहाँ पर हाकम सिंह समेत तमाम अपराधियों को यहाँ पर जमानत मिलना सरकार की कमजोर पैरवी का भी नतीजा माना जा रहा है। आयोग कुछ लोगों को यहाँ पर लाभ देने के लिए जल्दबाजी में परीक्षा आयोजित करा रहा है। साथ ही यहाँ पर कई ऐसे गंभीर आरोप जो है करण महारा की तरफ से राज्य सरकार पर लगाए गए। साथ उन्होंने कहा कि राज्य में यहाँ पर हुए भर्ती परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच कराए जाने की भी यहाँ पर करण महारा ने मांग की है। जिसमें जैसे पटवारी है, लेखपाल है, एई है, जेई है, पीसीएस अधिकारी हैं, अब उनमें भी चीजें सामने आने लगी हैं। जब तक ये जांचें पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरीके का की परीक्षा कंडक्ट नहीं करी जानी चाहिए। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन की यहाँ पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह तहसील परिसर में आयोजित किया गया। समारोह में सबसे पहले बार के मुख्य चुनाव आयुक्त ने यहाँ पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास चौधरी और सचिव मुकेश कुमार सहित पूरी कार्यकारिणी को यहाँ पर पद और साथ ही गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए जिला जज श्रीकंद कुमार त्यागी ने यहाँ पर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अंतिम जो है आज बार और बेंच से जुड़ी रहती है और पीड़ित पक्ष को यहाँ पर साथ ही बता दें कि विधि पूर्वक समय से जो है सस्ता और साथ ही सुलभ न्याय दिलाना ही यहाँ पर दोनों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इस मौके पर नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने यहाँ पर अधिवक्ताओं के हितों की यहाँ पर खातिर पूरी निष्ठा और साथ ही लगन से संघर्ष करने का भी संकल्प लिया और आपसी एकता अखंडता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। साथ ही
नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने यहाँ पर बताया कि जल्द ही यहाँ पर लक्सर कोतवाली मोड़ पर पुट के यहाँ पर पड़ी भूमि पर मार्च में काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि लक्सर को यहाँ पर छैकोट और साथी मिलेंगे। लक्सर में ही एक सुलभ न्याय का रास्ता खुलने जा रहा है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बार अपना काम कर रही है और हम कोशिश करते हैं, हम अपने जो भी हम अपने बेस्ट एबिलिटी से काम करें, जो हमारी जो जितने हम योग्य हैं उसकी जो अधिकतम सीमाओं में रह कर जो अधिकतम जो हम योगदान दे सकते हैं न्यायपालिका में या जो जिस स्तर पर हम लोग हैं उतना हम अपने बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सभी हमारे अधिकारीगण सभी बार के सदस्य बार का हमें पूरा सहयोग मिलता है। धन्यवाद। निश्चित रूप से सही संपर्क करा करके नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को आज शपथ दिलाई है, जिसमें हमारे माननीय जिला जज व अन्य अधिकारी गण भी मौजूद थे और उन्होंने भी हमें पूर्ण सहयोग आगे के लिए देने का आश्वासन दिया है। नई कार्यकारिणी को बधाई दी है, नई कार्यकारिणी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि बार और बेंच के बीच में मधुर संबंध रहेंगे और जैसे पहले से यहाँ ठीक ठाक सब कुछ चलता रहा उसी तरह से चलता रहेगा। और मैं भी सभी अपने साथियों का बड़ा आभारी रहा हूँ कि चुनाव संपन्न कराने में मुझे सभी ने पूर्ण सहयोग और सानिध्य दिया है, मेरे साथियों ने भी और मेरे सभी अधिवक्ताओं ने। कि न्याय और जो आम व्यक्ति को न्याय है वो न्याय मिलता रहे, और जो मैं तो अध्यक्ष वकीलों ने दायित्व जो सौंपा है उसे मैं पूरी तन्मयता से निर्वहन करूँगा और ईमानदारी और कर्मठता से उस कार्य को करूँगा, और जो भी वकीलों के कार्य होंगे उसे मैं पूरी तत्परता से करूँगा, उसका निर्वहन करूँगा। लक्सर में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की यहाँ पर मौत के 3 साल पुराने मामले में अपर जिला जज ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विवाहिता के यहाँ पर पिता ने पति सहित यहाँ पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था। विवेचना के बाद से ही पुलिस ने यहाँ पर केवल पति के खिलाफ ही न्यायालय में यहाँ पर आरोप पत्र भेजा था। एडीजे कोर्ट के यहाँ पर शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठक्कराल ने बताया कि यहाँ पर लक्सर की निहंदपुर सुधारी गांव निवासी समीर उर्फ आस मोहम्मद का निकाह अप्रैल 2020 को यहां पर नसीरपुर कला पथरी गांव के एक शबनम से हुआ था। आरोप है कि यहां पर शादी के तुरंत बाद से ही समीर और साथी उसके परिजन कम दहेज लाने की बात पर शबनम को प्रताड़ित कर रहे थे। उस पर मायके से स्विफ्ट कार लाने का भी दबाव बनाया जा रहा था। शादी के मर्ज 6 महीने के बाद ही 12 अक्टूबर 2020 में यहाँ पर समीर ने शबनम को यहाँ पर पुहाना रुड़की स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पर अपने ससुर को दी। इस पर मायके वाले अस्पताल पहुंचे लेकिन यहां पर उसी रात अस्पताल में शबनम की मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शबनम के भाई नजीम ने यहां पर समीर और उसके पिता ताहिर और साथी बताया जा रहा है कि यहां पर मां अफसाना देवर सोनू मोहम्मद और साथी यहां पर बताया जा रहा है कि आबिद के खिलाफ लक्सर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। विवेचना में पुलिस ने हत्या की धारा 302 हटाकर दहेज हत्या के यहाँ पर धारा 304B के तहत आरोपी समीर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। इस पर कोर्ट ने यहां पर सुनवाई चल रही थी। शनिवार को शासकीय अधिवक्ता ठकराल और साथी बचाव पक्ष के वकील संजय वर्मा को यहां पर सुनने के बाद एडीजे शंकर राज ने यहां पर आरोपी समीर को दहेज हत्या का दोषी करार दिया। अधिवक्ता ठकराल ने यहां पर बताया कि न्यायालय ने यहां पर समीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये इसमें वादी नजीम था, ये नसीरपुर कला का, इसने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी बहन शबनम को उसके पति व ससुराल वाले तंग व परेशान करते हैं और 7 लाख रुपए या स्विफ्ट गाड़ी की मांग कर रहे हैं, और मांग पूरी न कर सकने के कारण इन लोगों ने दहेज के लालच में उसकी हत्या कर दी है। तो ये मैटर था, इसमें फिर समीर उर्फ आस मोहम्मद के खिलाफ चार्जशीट आई, उसमें मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद न्यायालय अपर जिला जज लक्सर महोदय के यहाँ से समीर उर्फ आस मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और चलिए बात कनखल की करेंगे। आपको ज्ञापन कनखल थाना की जगजीतपुर राजू गार्डन में पूर्व भाजयुम जिला अध्यक्ष कांग्रेस नेता और साथ यहां पर कुख्यात गैंगस्टर अमरदीप चौधरी के यहां पर गोली मारकर हत्या करने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल उत्तर प्रदेश मेरठ के रहने वाले अभियुक्त राजकुमार मलिक और साथ यहां पर दोनों पुत्र मान मलिक हर्षदीप मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इनके पास से 315 बोर का तमंचा और साथ ही एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस की तरफ से यहाँ पर इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि यहाँ पर कल देर रात कनखल थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका ये खुलासा हुआ है। कल रात्रि कनखल थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में FIR पंजीकृत होने के बाद जो है इसमें टीमों को लगाया गया था। तीन नाम जो प्रकाश में नामजद आए थे उनकी तलाश की जा रही थी। आज उनको तीनों लोग को जो अभियुक्त है राजकुमार उसके दो बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया। एक असला मौके पर भी बरामद हुआ था जिसके नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अभियुक्तों से पूछताछ भी की गई है जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल रात्रि कनखल थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में FIR पंजीकृत होने के बाद जो है इसमें टीमों को लगाया गया था। तीन नाम जो प्रकाश में नामजद आए थे उनकी तलाश की जा रही थी। आज उनको तीनों लोग को जो अभियुक्त है राजकुमार उसके दो बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया। एक असला मौके पर भी बरामद हुआ था जिसके नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अभियुक्तों से पूछताछ भी की गई है जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल रात्रि कनखल थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में FIR पंजीकृत होने के बाद जो है इसमें टीमों को लगाया गया था। तीन नाम जो प्रकाश में नामजद आए थे उनकी तलाश की जा रही थी। आज उनको तीनों लोग को जो अभियुक्त है राजकुमार उसके दो बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया। एक असला मौके पर भी बरामद हुआ था जिसके नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अभियुक्तों से पूछताछ भी की गई है जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और चलिए बात फरीदाबाद में लगे मेले की करेंगे। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां लोग हस्तशिल्प कलाकारों के यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पर हस्तशिल्प कला को पसंद कर रही हैं और खरीदारी कर रही हैं, तो वहीं बताया जा रहा कि सबसे ज़्यादा आकर्षित मेले में आए लोगों को यहाँ पर हरियाणा की अलग अलग जिलों में यहाँ पर बंद कैदियों की तरफ से बनाए गए पेंटिंग, कार पेंटिंग, बल्कि यहाँ पर रोहतक जेल के यहाँ पर बनी खाद्य सामग्री को भी खूब पसंद किया जा रहा है। मेले में आए लोग यहाँ पर जो है प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स यहाँ पर जमकर खरीदारी कर रही हैं और सामान खरीदने वाले लोगों ने यहाँ पर बताया कि सामान के साथ साथ यहाँ पर दाम भी वाजिब हैं। I'm Tanuva. Hello, Tanuva Adwa from Hisar. Hisar से आए हैं क्या? ये यहाँ पर ना ये जहाँ से आपने सामान खरीदा है ये कैदियों द्वारा बनाया गया सामान? ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को पूरे फेयर में, सबसे अच्छा यहीं का सामान लगा और जेन्युइन रेट लगा। रेट भी अच्छे थे? यस, प्राइस बिल्कुल जेन्युइन था। क्या खरीदा आपने? मैंने तुलसी अर्क खरीदा है, एलोवेरा जूस खरीदा है एंड आंवला जूस खरीदा है। बहुत अच्छा है। नाम बताइए सर। नाम मेरा अजय है। अजय जी कहाँ से आए हैं? हम हिसार से आए हैं। हिसार से आए हैं और सामान बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि आई थिंक जेन्युइन सामान है और बड़ी सही कीमत पे है। रविंद्र सिंह नाम है, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए जी जी। सर ये हरियाणा की अलग अलग जेलों द्वारा बनाए गए सामान है, खाद्य सामान भी है, हैंडमेड कारपेंटिंग से लेकर कारपेंटिंग का सामान, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जैसे बनाने के लिए जो भी स्टाफ होगा वहाँ पर जो प्रिजनर से बनवाते हैं, जो जितने भी कमरे कैदी हैं उनसे ये सामान बनवाया गया है, तो उनके ऊपर डायरेक्शन देने वाले भी बहुत अच्छे हैं। वो सामान को देखने से जाहिर हो रहा है। कैदियों की तरफ से बनाए कुछ यहाँ पर आइटम रखे गए हैं, क्या क्या रखा गया है यहाँ पर? यहाँ पर कैदियों द्वारा जेल में बनाए गए घरेलू आइटम जिसमें फर्नीचर है, कपड़ा है और सूत का काम किया हुआ कोई क्राफ्ट है और पेंटिंग है, इस तरीके का आइटम रखा गया है। और इसकी जो कॉस्ट अगर की बात करें तो 30 रुपये के आइटम से लेकर 1,00,000 रुपये तक का आइटम यहाँ रखा गया है। हमारे पास रोहतक जेल से सोफा सेट आया है जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये। और फरीदाबाद की सूरजकुंड मेले में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हरियाणा टूरिज्म विभाग और साथ ही पुलिस की तरफ से यहां पर की जा रही लापरवाही के चलते मीडिया कर्मियों को भी कवरेज के दौरान न केवल भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि यहां पर पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की है। मीडिया के साथ हो रही यहाँ पर बदसलूकी को लेकर मेले की चौपाल पर बैठे जिला उपायुक्त से भी लेकर यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों से मीडिया के बार बार शिकायत करने के बावजूद भी मीडिया गैलरी से पुलिस की आला अधिकारी ना तो बेकाबू भीड़ को हटा पाए और ना ही यहाँ पर ड्यूटी के दौरान मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे यहाँ पर पुलिसकर्मियों को ही रोका गया है। हरियाणा में यहाँ पर नाइट में बता दें कि आपको प्रांजल दहिया के यहाँ पर परफॉर्मेंस के दौरान मीडिया गैलरी में घुसकर हर पुलिसकर्मी मीडिया कर्मियों से ज़्यादा बढ़ चढ़कर प्रांजल दहिया के यहाँ पर परफॉर्मेंस का अपने कैमरे में वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। सर अपना नाम बताइए। मैं महेंद्र शर्मा।
शर्मा जी मीडिया से ही हैं? मीडिया से हैं, मानवाधिकार करण मैगजीन है मेरी और न्यूज। हरियाणवी चौपाल पर जो दो दो गायिका आई थी, प्रांजल दहिया और एक और थी, ये रेणुको, कैसी व्यवस्था देखने को मिली यहाँ पर? देखो व्यवस्था की अगर हम बात करें तो व्यवस्था तो नाम मात्र की भी नहीं है, और जो बाहर के लोग हैं वो मीडिया के जो जगह निर्धारित की गई है उस जगह के अंदर बाहर के लोग और पुलिस के स्टाफ के लोग ज़्यादा भरे पड़े हैं, और मीडिया वालों के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई है, और ये एक बड़ा निंदनीय वो है। जी बताइए, आप नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण कौशिक है, पत्रकार से पिछले 20 वर्ष से जुड़े हैं, और इतनी बदहाली, इतनी बदइंतजामी, आज हालत ये रही कि मीडियाकर्मी और लोक संपर्क विभाग के जितने अधिक DPR ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बाहर, और पुलिस वालों का पूरा कब्जा था आज मीडिया उसमें गैलरी में, और अंदर लोग शराब पी के भी पहुंचे हुए थे। आखिरकार जो गेट से एंट्री कैसे मिली उन लोगों को जो शराब पी के, हमें अंदर पता चला शराब पी रखी है उन्होंने और वो लोग अंदर थे। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे, आप तो देखिए यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आर्य एडिटोरियम ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली में यहाँ पर आयोजित सम्मान समारोह में बता दें कि यहाँ पर प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए हुए सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरण, खेल, सिनेमा, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी यहाँ पर हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस कड़ी में बता दें कि यहाँ पर पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा को VVIP गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। सनातन रत्न अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया। ट्रस्ट के यहाँ पर चेयरमैन रंजीत सिंह और साथ ही अध्यक्ष आरती मेहता ने भी कहा कि यहाँ पर पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली जी का समाज उत्थान और साथ ही सामाजिक धार्मिक कार्यों में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आज क्या कार्यक्रम था? आज एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आर्य ऑडिटोरियम दिल्ली में सम्मान समारोह में बच्चों का टैलेंट कार्यक्रम था, तो उसमें हमें सनातन रत्न अवार्ड से सम्मान किया गया है। सनातन धर्म की जय हो, और सम्मान के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भगवान कृष्ण। और चलिए बात बिजनौर की करेंगे, आपको बता दें कि यहाँ पर बिजनौर की थाना अफजलगढ़ क्षेत्र की कस्बा नगर पालिका चेयरमैन की आपसी विवाद को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी ने बताया कि यहाँ पर विपक्षों की ये चाल है, आपसी विवाद को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, और कहा कि विपक्ष को यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में हमें काफ़ी मतों से यहाँ पर कामयाब जो है आगे फिर से मिलने वाली है, और इसलिए यहाँ पर ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमारा आपस में समझौता हो गया है, आपसी मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। तो वहीं चेयरमैन जो है सहना परवीन ने यहाँ पर वायरल वीडियो के बारे में आपसी विवाद को बताते हुए इसका खंडन किया है और साथ ही कहा कि हमारा आपस में समझौता हो गया है। जो वायरल हो रही थी विवाद की, क्या मामला है, क्या कहना चाहोगे? ये जो वीडियो वायरल हो रही है तो एक षड्यंत्र का एक हिस्सा है, राजनीति का एक हिस्सा है। भाई हस्बैंड वाइफ का, मैं समझता हूँ किस परिवार में, किस घर में छोटा मोटा विवाद ना होता रहता, मगर कुछ लोगों ने जो हमारे विपक्षी लोग हैं और जो राजनीति को इस स्तर तक गिराना चाहते हैं, उनकी ये षड्यंत्र है कि इस परिवेश को सड़कों पर पारिवारिक मसला बना दिया। नहीं, उसमें असल में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे दर्शाया ना कि चेयरमैन पे आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, पूर्ण वर्षों से मारपीट होती आ रही है, कभी कहा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल, ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल बेकार की बात है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। और वो इस पद पे अब पहले चेयरपर्सन थी, अब निवर्तमान चेयरपर्सन है, तो मैं इतना बेवकूफ तो हूँ नहीं कि मैं खामोखाम से मार दूंगा। शाहाना सलीम, हम दोनों में जो आज मतभेद हुआ है, ये गुस्से में हुआ है, और जो वीडियो वाले में इसका मैं खंडन कर, तो आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सफर कर रही यात्री जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, जिसका नाम संतोष यादव पुत्र सुखराम यादव बताया गया, ग्राम सरवन तहसील सरवन जिला कांकेर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर स्टेशन से प्रस्थान होते समय SCP ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक SP विश्वकर्मा ने यहाँ पर सहायक उप निरीक्षक राहुल यादव के साथ अविलंब कोच का निरीक्षण किया, तो पूछताछ करने पर यात्रियों ने बताया कि यहाँ पर कि यात्री का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है, और इस कारण परिजनों की और साथ ही इसकी जानकारी की गई।
आरपीएफ पुलिस और साथी बता दें कि यहाँ पर मरीज को राजीव गांधी चिकित्सालय परिजनों के साथ यहाँ पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मौके पर उप निरीक्षक राहुल यादव, एसपी विश्वकर्मा, धीरेन्द्र कुमार और साथ ही समस्त आरपीएफ पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। और चलिए बात उत्तर प्रदेश के भदोही की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर जो है वोटर एंड इंडिया के तत्वाधान में नायब बिंद धावक ब्लॉक प्रभारी की यहाँ पर अध्यक्षता में प्राथमिक विद्यालय महबूबपुर में यहाँ पर स्कूल के बच्चों को हाथ धोने के लिए जागरूक किया गया। नायब बिंद ने यहाँ पर कहा है कि बचपन में ही हमें स्कूल में सिखाया गया है कि यहाँ पर खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हाथों को धोना चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ पर साफ सफाई से जुड़ी कई चीज़ों को जो है और कई आदतें हमें बचपन में ही सिखाई जाती हैं, लेकिन दुनिया भर में कई लोग आज भी इनके प्रति जागरूक नहीं हैं। हाथ धुलाई के उद्देश्य को ही यहाँ पर जागरूकता के माध्यम से समाज तक पहुँचाना है। नायब ने कहा कि यहाँ पर हमारे हाथों में गंदगी के जो है सूक्ष्म कण जमा हो जाते हैं और किसी भी वस्तु को यहाँ पर छूने, उसका उपयोग करने और साथ ही कई तरह के यहाँ पर दैनिक कार्यों के कारण हाथ गंदे होना स्वाभाविक है। बगैर हाथ धोए खाद्य और साथ ही पेय पदार्थों का सेवन करने से ये गंदगी हमारे शरीर में चली जाती है, इसलिए जागरूक होना और साथ ही साफ सफाई का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, हाथ धोने की स्टेप दिया है, ठीक है, और हमको कैसे किस तरीके से 6 स्टेप में हाथ धुलेंगे और हमको हाथ साबुन से कितने सेकंड तक धोना है, 20 सेकंड तक हमको साबुन से हाथ धुलना है और हाथ धुलते ही हमको भोजन करना है, ठीक है। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे और चलिए बात छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की करेंगे। आपको तो यहाँ पर बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर पुलिस ने 5 लाख की साइबर ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं आरोपियों के पास से एटीएम बताया जा रहा है कि 9 एटीएम कार्ड और साथ ही 2 मोबाइल और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ नकदी कैश बरामद की गई है। एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर भी बरामद की गई है। आपको तो देखिए यहाँ पर गिरवानी गांव की ग्रामीण ने यहाँ पर 11 जनवरी को 5 लाख रुपए की ठगी की सूचना थाने में दी थी और मामले को यहाँ पर पुलिस ने तत्काल गंभीरता से लिया। साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से रांची से यहाँ पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वे दोनों आरोपियों को यहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। बैंकों के एटीएम से पटना, रांची, अन्य शहरों से कई एटीएम सेंटरों से पैसा तत्काल निकासी कर लिया गया। मुलजिम की धरपकड़ हेतु श्रीमान एसपी महोदय ने आपसे निर्देश के साथ टीम गठन करके भेजा गया था, जो बिहार, रांची और कलकत्ता में कुछ जगह दबिश दिया गया। दबिश पर आरोपी उपेंद्र कुमार रवानी, पिता अशोक रवानी, लक्ष्मण रवानी, पिता जगदेव रवानी, विजय कुमार रवानी, जगदेव रवानी, निवास मुकेश रवानी, पिता सरजू, ये सभी देवघर जिला के आसपास के रहने वाले हैं और उनके कब्जे से 9 एटीएम कार्ड, 4 नग मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और 29,000 रुपये नगद जब्त किए गए हैं और इनके अन्य अपराध आरोपी हैं जो शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। सिंगरौली जिले में यहां पर आपको बता दें कि 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली यहां पर विकास यात्रा का ग्रामहेर वार्ड नंबर 2 से शुभारंभ कर दिया गया है। ग्राम सिंगाही पडरी चकुआर और ठरुहा राजखंड होते हुए ग्राम पंचायत सोलंग में यहाँ पर समापन हुआ। 6 फरवरी को यहाँ पर CTI वार्ड क्रमांक 1 और साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगातार जो है इस तरीके से इस यात्रा को निकाला जा रहा है ताकि यहाँ पर इस यात्रा के माध्यम से लोगों को यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही योजनाओं हैं उन सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाए। इसीलिए यहाँ पर इस विकास यात्रा में सिंगरौली के यहाँ पर लोकप्रिय विधायक राम लल्लू वैश्य और बीजेपी जिलाध्यक्ष राम सुमीरन गुप्ता, नगर पालिका निगम सिंगरौली के अध्यक्ष देवेश पांडे और पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश द्विवेदी सहित यहां पर बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले तो आवेदन देखिए क्या है।
एक शासकीय अधिकारियों के साथ दिखाई दे रहे हैं कि आप सकता है वो आगे बढ़ कर आने वाले समय में उनको भी वो लाभ मिल सके और विभिन्न योजनाओं का आपको बताएं हम बाढ़ में हमारे कर्णकार मंडल के 52 है पेंशन है संबल के 522 है पात्रता पर्ची 511 है आयुष्मान भारत 1516 है प्रधानमंत्री वास्तव से इस तरह से सम्मान किया है और जिनको छो गया है वो आवेदन करेंगे परीक्षण करके कर्मचारी है और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज 10। नमस्कार।